हेलो ओके आई मस्ट मी क्लियरली ऑडिबल एंडबल और यार मेरा चश्मा कृषा मेरा चश्मा ला दो हेलो एवरी वन इज एबल टू हेर मी एक बार बताओ यार ऑडियो वीडियो क्लियर है दी टेलीग्राम पे आपने साढ़े आठ बजे भेजा था पर यहाँ आठ बजे टाइम स्केड्यूल किया हुआ था यूट्यूब पे नहीं, नहीं साढ़े आठ बजे की क्लास थी यार तुम लोगों को पता ही है ठीक है पहली बार तो तुम लोग क्लास में आ नहीं रहे हो तुम सबको पता है साढ़े आठ बजे क्लासेस होती है वो तो बिल्कुल रेयर डेज पे आठ बजे हो जाता है कभी कभी जब मुझे लगे ना कि आज तो ज्यादा टाइम लेने वाला है तो वी नीड अ लंबा क्लास बिकॉज दस बजे मेरी एक और क्लास होती है प्लस के ऊपर ओनली इन दो सर्कमस्टांसिस क्लासेज एट एड ठीक है हाँ विदाउट दी चश्मा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार दिखेगा नहीं कुछ और कुछ नहीं ठीक है चलो आई एम होपिंग की ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है गाइस आप सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आन अकेडमी कॉम्बैट का टेस्ट ये वाली संडे को होने वाला है अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता है कि आन अकाडमी कॉम्बैट क्या है लाइक गाइस कॉम्बैट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्री लर्निंग टेस्ट जिसके अंदर आप क्या करते हैं आपको एक गेमिफाइड वर्जन में आप सीखते हैं गेमिफाइड वर्जन में किस तरीके से जैसे कि अभी आप स्क्रीन के आगे देख पा रहे हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं मान लो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसके हिसाब से आपको स्कोर मिला उस स्कोर के हिसाब से आपको रेटिंग मिली उस रेटिंग के हिसाब से आप लीडर बोर्ड में आए ठीक है और जिस जिस तरीके से आपकी रेटिंग इंक्रीज होती जाएगी उस उस तरीके से आपके बैजेस भी इंक्रीज होते जाएंगे जिस तरीके से पबजी में होता था ठीक है तो डायमंड भी आएगा एस भी आएगा कॉन भी आएगा ठीक है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस फ्री अमेजिंग कॉम्बैट टेस्ट गाइस इतना हाई लेवल है ना इस पर्टिकुलर टेस्ट का मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो इसमें से अट्ठाइस क्वेश्चन है ठीक है लेकिन एवरी क्वेश्चन इज क्यूरेटेड बाई द इंडियाज मोस्ट अमेजिंग एडुकेटर्स द एडुकेटर्स हु हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ यू नो ट्यूटरिंग द स्टूडेंट्स इन्स दी लास्ट टेन टू फिफ्टीन ईयरस इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं ठीक है आप बेस्ट बच्चों के साथ कंपीट करते हैं आपको टेस्ट को खत्म होने के बाद ही डिटेल सोल्यूशन मिलते हैं टेस्ट के दौरान ही आपको हर क्वेश्चन के बाद अपनी रैंकिंग पता लगती है और बात ये है कि ये काफ़ी फ्लेक्सीबल है जैसे कि देखो अभी तक ना ऑलरेडी तीन बार अन अकाडमी कॉम्बैट हो चुका है अभी जो तीसरा आन अकाडमी कॉम्बैट है वो ये वाले संडे को है विच इज़ ऑन ट्वेंटी

ठीक है तो अभी यहाँ पर देख लीजिए यू विल हैव चांस टू विन सम अमेजिंग प्राइजेस एज यू ऑल कैन सी है ठीक है और ये फॉर्मेट होगा बस एक घंटे का टेस्ट है इस एक घंटे के टेस्ट में आपको चार सेक्शंस कंप्लीट करने हैं जिसमें सात क्वेश्चन बॉटनी के सात क्वेश्चन जोअलॉजी के सात क्वेश्चन फिजिक्स के सात क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे तो देख पा रहे हो कि ट्वेंटी एट का टेस्ट है सिर्फ एक घंटा है लेकिन गाइज मतलब यार आ, इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हैंडमी कॉम्बैट में तो हम थोड़ी सी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने स्टूडेंट से कि वो और अच्छा परफॉर्म करे और हमारा नाम वगैरह रोशन करें तो ये देख लो कि प्री डिसाइडेड सिलेबस है दिस इज दी सिलेबस जो क्लास इलेवेंथ का टेस्ट क्लास ट्वेल्थ के टेस्ट और ड्रॉपर के टेस्ट में आने वाला है फॉर कॉम्बैट नंबर थ्री ऑन ट्वेंटी ऑफ डिसम्बर एट 11 ए एम तो फटाफट से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा अन अकेडमी कॉम्बैट का उसके ऊपर क्लिक करो ठीक है ये तमन्ना लाइव कोड लगाओ और फ्री में एनरोल कर जाओ फ्री में एनरोल हो जाएगा बस ये वाला कोड लगाओ और फ्री में एनरोल कर लो ओके विथ स्केड्यूल आर यू टॉकिंग अबाउट फनी जॉय देखो मेरे हिसाब से तो जो क्लास चल रही है है वही तुम्हारा है। ना आगे की क्लास इतनी मैटर करती है ना पीछे की क्लास इतनी मैटर करती है जितनी मैटर करती है वो वाली क्लास जिसका पार्ट अभी तुम हो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं एटम्स चैप्टर की एनसीईआरटी को करने वाले हैं हम डिकोड तो सारे बच्चे अपने एनसीआरटी उठा के बैठे एनसीआर टी निकाल के बैठो ठीक है और एटम्स चैप्टर को जरा सा डी कोड करते हैं कि एनसीआरटी माता क्या बोलती है ठीक है तो ज्यादा फॉर्मुलाज वार्मूलाज में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट दर्पज ऑफ दिस क्लास द पर्पज ऑफ दिस क्लास इज टू लुक एट द बिगर पिक्चर वट इज एटम व्हाट इज दिस चैप्टर टॉकिंग अबाउट वट आर दिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट ठीक है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाओ सबसे पहले तो तुम्हें जे जे थॉमसन के बारे में पता होना चाहिए जहां एटम्स का नाम आ गया ना ठीक है मैं ये कमेंट सेक्शन आगे रख देती हूँ ताकि तुम लोग कुछ भी बोलो ना तो मुझे पता लगता रहे ठीक है अच्छा अभी यहाँ पर जरा सा देखिए ओके okay, तो मैं तुम लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहूंगी तो यार सबसे पहले इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में तुम लोगों को पता होना चाहिए जहां एटम्स आएगा जैसे मैंने बोला वही जे जे थॉमसन बाबा आएंगे द रीजन बी कि देखो इट इज नॉट अबाउट दी वन हु मोस्ट प्रिसाइज ठीक है लेकिन जिसने फाउंडेशन रख देना उसका नाम हमेशा इतिहास में जाएगा ही जाएगा नो no मैटर उसके बाद कितने ही अच्छे साइंटिस्ट आ जाए और वो और कितना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दें तो इसी तरीके से 1897 में जे जे थॉमसन ने ये बोला कि यार एटम होते हैं ठीक तो है एटम तो होते ही है एटम का तो सबको पता था और इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो 1895 में इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे डिस्कवर हुए थे तो 1897 में जे जे थॉमसन ने बोला कि यार जब तुम्हारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसका मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी, भी होने चाहिए जो क्या करें इस इलेक्ट्रिक चार्ज को बैलेंस करें तभी तुम्हारा जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो लेकिन पता नहीं था कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है तो अभी फिर इसके मतलब ये 1897 में इसके में, इसके बाद में में दिमाग बात आई फिर बाद में 1898 में इसने बोला कि एक्चुअली में होता ये है कि पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम में जैसे कि तरबूज नहीं होता कि तरबूज में जो बीज होते हैं वो हो गए आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स वैसे प्रोटॉन्स इसने नाम नहीं बोला इसने सब सीधा सीधा सॉरी इसने सीधा सीधा ये बोला कि जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज एटम है और उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके के मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल मॉडल भी बोलते हैं ठीक है कि या फिर हम इसको रेजन मॉडल भी बोल देते हैं रेजन केक मॉडल भी बोल देते हैं तो आपका सौ बातों की एक बात ये कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है एटम ठीक है क्या है ये पॉजिटिव प्रोटॉन अभी तक किसी ने नाम दिया नहीं था ठीक है अभी ये बात चल रही है 1898 की और इसने ये बोला कि इसके बीच बीच में जैसे बीज प्रेजेंट होते हैं या फिर रीजन प्रेजेंट होते हैं पुडिंग में उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेंगे तो क्या जे जे थॉम्सन तुम्हारा सही था नहीं लेकिन फिर भी क्यों पूजा जाता है इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उसने फाउंडेशन रख दी और वो बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो अभी बिकॉज हम एटम्स कर रहे हैं ना दैट इज द रीजन जे जे थॉम्सन की बात हुई अभी आगे यहाँ पर तुम्हारे पास ये भी बात आ रही है

तो अगर मैं मान लो एक गैस को हीट कर रही हूं ठीक है तो वेन आई टॉक अबाउट ऑब्वियसली बातें इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके कहीं तक भी जंप कर सकता है लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट तो पर्टिकुलर गैस विच इज मेड ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम तो ये जो तुम्हारे पास वेवलेंथ निकलती है ना ये सिमिलर होती है गंगा में चले जाओ वो वाले पानी की बात कर लो तुम्हें पता है ये दो हाइड्रोजन आइटम होंगे और एक ऑक्सीजन आटम होगा सेम थिंग इज हियर की यहां पर तुम्हारे पास अलग अलग वेवलेंथ निकलेंगी फॉर श्योर लेकिन वो सेट ऑफ वेवलेंथ

फिर आई टॉक अबाउट हेलियम गैस अलग अलग वेवलेंस निकल सकते हैं उनका मैं चार्ट बना लू तो किसी का भी चार्ट आपको सिमिलर नहीं दिखेगा मैं ये बोल रही हूँ डू यू अंडरस्टैंड में कि हर एलिमेंट से एसोसिएटेड ये जो ये जो वेवलेंस है इनका जो पूरा का पूरा सेट है ये सिर्फ एक एलिमेंट से ही बिलोंग करता है जैसे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकती उसी तरीके से ये जो सेट ऑफ वेवलेंथ है वो एक एलिमेंट की दूसरे अलग एलिमेंट से कभी भी मैच नहीं कर सकती इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं इस तरीके से के स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन को हम फिंगरप्रिंट भी बोल देते हैं बाकी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे तो अभी बालमेर आए बालमेर नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा ठीक है Uh, दीदी के फेस पे ये चश्मा ज्यादा बड़ा लगता है आई प्रोमिस यू जिस दिन ये चीज इंपॉर्टेंट होगी ना नीट से ज्यादा ठीक है आई विल स्टार्ट अ मेकअप चैनल मैं मेकअप चैनल शुरू कर दूंगी जिस दिन मैंने मैं क्या डाल रही हूँ मैंने मेरे चश्मों का साइज क्या है मेरे बालों में कितना तेल है ठीक है मेरा मुंह कितना चमक रहा है जिस दिन वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई लेकिन जब तक वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना नन ऑफ दिस शुड मैटर टू यू ंग समिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव डिसाइड जस्ट किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया है कि नीट के लिए प्रिपेयर करो तुमने खुद ने डिसाइड किया नीट के लिए प्रिपेयर करो तो प्लीज नीट के लिए प्रिपेयर करो इट डज नॉट मैटर डो यू अंडरस्टैंड में कल जुड़ा करके भी आऊंगी ना स्टिल इट वुड नॉट मैटर मैं दो चोटी करके भी आऊंगी स्टिल इट वुड नॉट मैटर मैं गंजी होके आ गई स्टिल इट वुड नॉट मैटर सो लेट एस पे अटेंशन टू एक्चुअली वॉट मैटर्स एंड एक्चुअली वट इज गोइंग टू पुट यू फॉरवर्ड डू नॉट डिस्टर्ब द्लास बाई ठीक सेंग एनी आगे देखो तो अभी पर आगे ये है बालमर का नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा तो बालमेर ने ना बालमेर ने ये फॉर्मूला दिया जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन है अभी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप कर गया उससे रिलेटेड एक फोटोन है उससे रिलेटेड एक वेवलेंथ है फर्स्ट से लेकर शेल शेल वो अलग फोटोन है उससे रिलेटेड अलग वेवलेंथ है तो बालमेर आया और बालमेर ने एक atom, किस की वेवलेंथ वेवलेंथ वे होगा तो वो चीज दी है बालमर ने मतलब ये वाली जो तुम लोग इक्वेशन करते हो ना वन डिवाइडेड बाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड माइनस वन डिवाइडेड बाय एन टू स्क्स ने दिया ने दिया ये। और ये है और यही इन्हें सेट आए तुम्हारे राधा फोर्ड तो राधा फोर्ड ने ना एक इंपॉर्टेंट चीज की अभी जे जे थॉम्सन वाला तो चल ही रहा था तो अभी राधा फोर्ड ने क्या किया इसने स्कैटरिंग करवाई अल्फा पार्टिकल्स की मतलब बिस्मथ लिया ठीक है बिस्मत में से तुम्हारे पास अ, अल्फा पार्टिकल्स निकले ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को टकराए और अभी देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल को टकरा रहे हैं तो एक्चुअली में ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी कितनी स्कैटरिंग हो रही है लेकिन फिर बाद में देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से जा रहे थे कि मैं गोल्ड से टकराऊंगा मैं गोल्ड से टकराऊंगा मैं गोल्ड से टकराऊंगा वो बिना टकराए आगे चले गए जिससे हमें यहाँ पर ये चीज पता लगी कि ज्यादातर जो स्पेस तुम्हारे एटम के अंदर है वो खाली होती है अगर यहाँ पर तुम्हारे पास जो मास कंस है जो पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है एटम के अंदर वो बिल्कुल उसके बीच में होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं तो राधा फोर्ड ने फिर अपना मॉडल दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इसने ये बोला कि जे जे टॉम्सन थोड़ा सा गलत है ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव है और उसके अंदर रीजन जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट डिपेंडेंट नहीं रदा फोर्ड ने बोला कि तुम्हारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारे पास जो मास है वो एटम के बिल्कुल बीच में कंसंट्रेटेड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके साइड में इस तरीके से सर्कुलर मोशन को शो करते हैं दैट इज व्हाट राधा फोर्ड टॉक्ड अबाउट तो एक बार जरा सा यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख लो तो सजेशन वैसे राधा की थी सजेशन की थी, लाइक like का था लेकिन इसको कंडक्ट किया था इसको परफॉर्म किया था गीगर और मार्सडिन ने तो इन्होंने क्या किया देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल तो जैसे मैंने बोला सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बिस्मत था यहां से इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स निकले ठीक है अभी ये जो अल्फा पार्टिकल्स की देखो पूरी की पूरी बीम है अभी ये गोल्ड फॉइल को टकरा रही है और गोल्ड फॉइल तुम्हारे पास इतना ज्यादा पतला है लेकिन ऐसे भी पूछा जाता है वाई ओनली गोल्ड फॉइल द रीजन इज की जो तुम्हारे पास गोल्ड फॉइल है वो हाईली मेलिबल होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाईली मेलिबल हाईली मेलिबल का मतलब इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी थिन शीट्स दैट इज द रीजन गोल्ड फॉइल ले रहे हो देखो गोल्ड फॉइल का जो तुमने थिन फॉल लिया है गोल्ड का उसकी एक्चुअली में थिकनेस कितनी है मतलब तुम ये मान सकते हो इट इज ओनली वन टू टू एटम्स वाइड दैट इज द रीजन गोल्ड फॉइल लिया और हमें देखने में यहाँ पर ये आया मतलब अभी हमें किस तो तरीके से पता लगेगा कि कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पर गया कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर उसके लिए हमने एक डिटेक्टर लिया डिटेक्टर क्या था डिटेक्टर में एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी और एक माइक्रोस्कोप था तो मान लो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाके गिरा तो ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी ये तुम्हारी तो फ्लोरोसेंट होती है फ्लोरोसेंट होती है इसका मतलब ये कि जैसी अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिरेगा ना ये जगमग जगमग करने लगेगी मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास एक तरीके का ग्लो आ जाएगा आई यू अंडरस्टैंडिंग तो जहां पर जितना ज्यादा ग्लो वहां पर उतने ही ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं गिर रहे हैं तो यार देखने में हमारे पास कुछ इस तरीके से आया देखो तुम्हारी ये वही चीजें हैं जो एनसीआरटी में लिखी हुई है तुम्हें देखने में यह आया कि जो ज्यादातर तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो नहीं कोलिजन को सफर कर रहे ऐसा क्यों क्योंकि ज्यादातर जो तुम्हारे पास स्पेस है आटम के अंदर वो खाली है अभी इफ आई टॉक अबाउट जीरो पॉइंट फोर्टीन परसेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो ये वन डिग्री से ज्यादा स्कैटर करते हैं और अगर मैं आठ सौ में से एक अल्फा पार्टिकल की बात करूं, उनमें डेविएशन होती है नाइनटी डिग्री से ज्यादा तो अभी तुम लोग ना ये चीज देख पा रहे हो इसका मतलब क्या डेविएशन क्यों हो रही है अगर मान लो यहां पर तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है ये गोल्ड फॉइल है मान लो एक गोल्ड फॉइल का आइटम है ठीक है एक अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है क्यों ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है क्यों ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है क्यों ये डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका मतलब एक येक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है किसके बीच में सेंटर ऑफ द एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तभी अल्फा पार्टिकल को क्या कर पाएगा डेविएट कर पाएगा देखो डेविएशन भी आपके पास दो तरीके की होती है एक तो ये वाली डेविएशन ठीक है और एक ये वाली डेविएशन तो अभी अगर मैं मान लो मैं अल्फा पार्टिकल इस तरीके से मैं जा रही हूँ यहाँ पर गोल्ड फॉइल है मैं उससे दूर भागूंगी इसका मतलब क्या कि मेरे और गोल्ड फॉइल के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे फोर्स कर देगा कि मैं डेविएट करके इस तरीके से निकल जाऊं या फिर ऐसे हेड को लीजन करके 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करके वापस आ जाऊं यहां से हमें पता लगा कि जे जे थॉमसन सोच रहा था नाइनटीन एट में सॉरी 1897 में जे जे सोच रहा था यार कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है फिर इस 1898 में इसके अंदर ये आया कि इसने अपना मॉडल वगैरह दिया ठीक है प्लम पुडिंग मॉडल अभी राधा फोर्ड ने ये चीज प्रूव कर दी कि अभी आप जो ये चीज पॉजिटिव बोल रहे हैं क्योंकि राधा फोर्ड ने मॉडल क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस आपका बीच में प्रेजेंट है तो इसने ये चीज प्रूव कर दी कि ये वही न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपके एटम का बैठा हुआ है अगर ऐसा नहीं होता तो ऑबियसली बात अल्फा पार्टिकल डाइवर्ज नहीं करते अल्फा पार्टिकल वापस नहीं जाते। अगर अगर वो डाइवर्ज करते, टकराते भी ना, तो इस तरीके से टकरा के के उसी के पास रहने की कोशिश करते। लेकिन वो करे से दूर जा रहे हैं क्युं? है जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर हम रदरफोर्ड को क्रेडिट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इज द रीजन ठीक है हां जी यहां पर तुम्हें यह पता लगा कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कंसेंट्रेटेड है पॉजिटिव है और वहीं पे पूरा तुम्हारे पास मास भी कॉन्सेंट्रेटेड है तो अभी जब तुमने माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा ना तो तुम्हें ये चीज पता लगी कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इतना आता है व्हाट इज इज दिस दिस फर्मी फर्मी मीटर 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 मतलब रेस बार लेकिन अभी अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम का साइज कुछ इतना होता है तो तुम मुझे खुद बताओ एटम का साइज इतना होता है ये हमें काइनेटिक ऑफ गैसेस से पता लगा है ठीक है अभी रदअ फोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि न्यूक्लियस का साइज इतना है इसका मतलब मतलब आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस कि एक्चुअली में तुम्हारे पास एटम टेन पीस टू पार फाइव टाइम्स ज्यादा बड़ा है देन द न्यूक्लियस मतलब पूरा का पूरा फुटबॉल स्टेडियम और फुटबॉल पूरा का पूरा फुटबॉल स्टेडियम इज़ योर लेकिन आपका उसके बीच में बिल्कुल बीच में फील्ड के एक तुम फुटबॉल रख लो इज़ न्यूक्लियस जिसके अंदर पूरा मास एसोसिएटेड है पूरा मास उसके अंदर है बिकॉज वी ऑल नो कि इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसी के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज भी है ठीक तो है तो ज्यादातर जो स्पेस है ना हमारे एटम में वो एम्प्टी स्पेस होती है दैट इज द रीजन जो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना ही डेविएट करके आगे चले गए ठीक है अभी एक और चीज यहाँ पर एनसीआरटी ने ना ये बात बोली हुई है कि देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटर तो कर रहा है एक मिनट क्या कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है क्या अच्छा यहाँ पर आ, इन सबको जानने दिया कर ठीक है इन सब के ऊपर ध्यान ना दिया करो जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा स्पैम करने आता है तुम बोले लग जाओ कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो हाँ मैम अल्फा पार्टिकल ऐसे करेगा अरे मैम हमें याद है कि पिछले क्लास में आपने ये करवाया था इनको जोन आउट करने की कोशिश करो टू बी वेरी ऑनेस्ट इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ठीक है डू यू अंडरस्टैंड मी इनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज द रीजन लेट इज नॉट इवन ट्राई इन तो इसीलिए इनको जोन आउट करेंगे बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट Than actually trying to make these अल्फा पार्टिकल डेविएट तो कर रहे हैं है? तो है, है। यहाँ पर स्कैटरिंग हो रही है लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि स्कैटरिंग यहाँ पर एक बार हो रही है द रीजन बिंग स्कैटरिंग दो बार क्यों होगी स्कैटरिंग का मतलब ये मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे आया फिर अल्फा पार्टिकल ऐसे चला गया ऐसे थोड़ा ना अल्फा पार्टिकल ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया नहीं नहीं एक बार स्कैटरिंग आपके पास न्यूक्लियस इतना ज्यादा छोटा है ठीक है तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है कि स्कैटरिंग यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक बार हो रही है और मान लो अगर मैं गोल्ड की बात भी करूं ठीक है तो इफ आई टॉक अबाउट दी हीलियम मतलब अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं अल्फा पार्टिकल क्या होता है डबली आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस तो अभी अगर मैं इसके मास की बात करूं ना तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो तो न्यूट्रॉन्स हैं ठीक है दो न्यूट्रॉन्स है और दो प्रोटोन्स है ठीक है इसका मतलब इसका जो मास है मान लो मैंने फोर एटोमिक मास यूनिट ले लिया लेकिन अभी अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का एटोमिक नंबर सेवेंटी नाइन होता है यार ठीक है तो अगर मैं कंपेयर भी करूं ना तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास मास ऑफ हीलियम है इट इज फिफ्टी टाइम्स लेसर देन द मास ऑफ द गोल्ड तो याद करो वर्क एनर्जी पावर जब हम तुम्हें कोलिजन कराते हैं ना इलास्टिक कोलिजन तब हम तुम्हें ये चीज करवाते हैं मान लो कि एक बहुत 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 भारी बॉल रखी हुई है कैपिटल एम मास की एक छोटी एम मास की बॉल गई मस्त जा रही है यू की वेलोसिटी से वो टकराएगी और उसी वेलोसिटी से वो वापस भी बाउंस बैक करेगी लेकिन ये जो तुम्हारे पास भारी वाली बॉडी है उस वो टस से मस नहीं होगी तो यहाँ पर तुम्हें एक और चीज पता लगी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में only alpha particle are scattering due to the heavy mass of the nucleus which is even 50 times of a greater mass than that of the alpha particle is nucleus ko kuch bhi nahi ho raha ye nucleus tumhara move nahi karega okay अभी आगे तुम्हारे पास ये आ जाते हैं कि आ, जैसे कि ना अभी हमने ये चीज करी एक मिनट ये मैंने ना डब्ल्यू uh, इन इस तरीके से कोई वेबसाइट है ना वहां से मैंने डाउनलोड करा है देखो अधूरे अधूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं अच्छा अभी यहाँ पर ये बात बोली हुई है जैसे राधा फोर्ड ने बोला ना कि यार ये तो डेविएट हो रही है तो डेविएट तो होने तो के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पर वही बात बोली हुई है अल्फा पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है

फिर बाद में यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की ट्रोजेक्टरी की बात हो रही है कि अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास किस तरीके से डेविएट करेगा तो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से न्यूक्लियस है दिस इज योर न्यूक्लियस अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, इस तरीके से. देखो कितने तरीके से यहां पर तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो अभी अल्फा पार्टिकल की क्या प्रोजेक्ट्री है किसके ऊपर डिपेंड करेगा

उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा तुम्हारा न्यूक्लियस के बीच में और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में सो उतना ही कम फोर्स लगेगा कम फोर्स होगा तो कम डेविएशन होगी तो ये चीज मान के चलो जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल तो ये वाला पार्टिकल देखना यहां पर तुम्हारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर ही जीरो है तो इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो अल्फा पार्टिकल जाता है बिल्कुल इस तरीके से हेड ऑन कोलिजन करके वन डिग्री से डेविएट करके वापस आ जाता है तो अभी तुमने देखा कि जहां पर इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम था जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तुम्हारे पास यहाँ पर मैक्सिमम है विच इज वन डिग्री अभी मान लो कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इन्फिनिटी पे आ रहा है तो मिथिलेश डो नॉट स्पैम इन दमेंट सेक्शन डो नॉट स्पैम इन दमेंट सेक्शन ओके अभी यहाँ पर देखिए मान लो अभी अल्फा पार्टिकल आया बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम इसका मतलब क्या तुम्हारे पास जीरो ठीक है तो अशरफ आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख पा रहे हो कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है ना जितना इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है उतना ही कम प्रभाव इस न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल के ऊपर होगा द दमेंट सेक्शन तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो दूसरों को क्यों तुम डिस्टर्ब करने आए? हम्म? ऐसे नहीं होते कुछ दोस्त खुद दुखी होते हैं अभी आपसे बात करके आपको भी दुखी कर देंगे वट एपन तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो ना कोई दिक्कत नहीं है अभी हम सबको नहीं सबको नहीं फोर्स कर सकते टू बी अबाउट डॉक्टर बट जो लोग चलो अभी यहाँ पर आ जाओ तो एज वी टॉकिंग अबाउट कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर तुम्हारा बढ़ेगा ना उतना ही यहाँ पर कम प्रभाव होगा टारगेट न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल के ऊपर जिसकी वजह से कम से कम डेविएशन तुम्हारा अल्फा पार्टिकल शो करेगा तो इसीलिए यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है सेम चीज मैंने बताई है इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ़्लेक्शन उतना कम तो देखो जब तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल बिल्कुल क्लोज टू दी न्यूक्लियस होता है मतलब तुम्हारे पास इंपैक्ट पैरामीटर छोटा होता है तो डेविएशन ज्यादा होती है तो स्कैटरिंग ज्यादा होती है और इन्फिनिटी के ऊपर तुम्हारे पास इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम है तो सॉरी इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम है अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टरी किसके ऊपर डिपेंड करती है इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इट इज दिस नो आई नो नीलम चलो अभी यहाँ पर आगे अब इन सब को जाने देते हैं अभी आगे आपके पास टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का तो यार तुम लोग मुझे खुद बताओ रद तो के चला गया कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो अभी अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा होगा ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो और ऊपर से अट्रैक्टिव होता है तो कौन सा वो फोर्स है जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध के रखेगा जो एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से बांध के रखेगा यहाँ पर तुम्हारे पास वो फोर्स कौन सा है इट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है दैट इज प्रोवाइडिंग द देंट्रिपीटल फोर्स ताकि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर सके जैसे कि देखो अभी अ तुम्हारी मम्मी मान लो मम्मी मम्मी नहीं चलो कार्टून की बात कर लेते हैं कार्टून में तुम लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा सा बहुत बड़ा डॉग होता है टॉम एंड जेरी में ठीक है तो जैसे टॉम जेरी को परेशान करता है ना वो कुत्ता टॉम को परेशान करता है तो ऐसे वो जो डॉग है टॉम के चपेड़ मारेगा और ये टॉम घूमता रहेगा तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है ना ऐसे चाटा प्रोड्यूस हुआ इस तरीके से एक्चुअली में देर वॉज अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड तो इस टॉर्क की वजह से जो एक्सेलरेशन uh, आया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीटल एक्सेलरेशन

सिर्फ ये एक ही ऐसा आटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है एक प्रोटॉन है, है बाहर तो तुम देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऐसे ऑर्बिट में जिसके रेडियस की वैल्यू r है तो यहाँ पर जो सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है इट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोस्टार्टिक फोर्स बिटवीन दम अभी यहाँ से तुम रेडियस निकाल सकते हो कि देखो रेडियस की वैल्यू तुम्हारे तो पास कुछ इस तरीके से आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो तो ये एम वी स्क्र है ना यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया ये वाले mv किया, ये वाले स्क्वायर स्क्वायर को को ये किया तो काइनेटिक एनर्जी आई इतनी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस आ गई है, दोनों को मैं प्लस कर दूं तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी आ गई है सौ बातों की एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ देखो अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है माइनस अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है मान लो प्लस एक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पर है तुम्हारे पास माइनस टू एक्स जिसकी वजह से टोटल एनर्जी की वैल्यू है तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स प्लस नेगेटिव टू एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ये जो तुम्हारे पास टोटल नेगेटिव एनर्जी जो नेगेटिव आ रही है वो ये शो करती है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है बाउंड है न्यूक्लियस के उसी तरीके से अगर तुम लोगों को याद हो ना तो जो ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे नेगेटिव होती है क्यों क्योंकि ग्राविटी एक ऐसा फोर्स है जो बाउंड करके रखता है जैसे कि हम बाउंड है आ, सन के मून बाउंड है हमारे

एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक बार ये नीट 2021 से सारे बच्चे एग्री कर लो एक बार इसको अटेंशन दे दो एक बार इससे एग्री कर लो सारे बोल दो यू आर राइट नीट 2021 एक बार एग्री कर लो इससे सारे बच्चे एक साथ मिलके एग्री कर लो फिर बाद में नया टॉपिक शुरू करते हैं नीट 2021 तुमने सबकी सोच बदल दी है तुमने सबको मुझसे बचा लिया है अभी आपका पर्पस खत्म हो चुका है अभी जाओ चलो एग्री कर लो यार एग्री कर लो यस दिस इज इज है अगर मैं दिन में दस क्लास भी रखूं तो दस क्लास अटेंड करने को रेडी हैं, जितने टेस्ट बोलूं उतने टेस्ट करने को रेडी हैं, जितने मैं डीपीपी दूं उतने डीपीपी सॉल्व करने को रेडी हैं ऑब्वियस बात है यार उनसे मुझे ज्यादा प्यार होगा मैं मानती हूँ इस चीज को आई लव माय प्लस स्टूडेंट्स अभी सबने एग्री कर लिया है तुमने सारी जिंदगी कायनात जज्बात दुनिया हमारे एटीट्यूड यू हैव चेंज्ड एवरीथिंग यू हैव डन दी लवली क्लास हो गया अभी ठीक है सब मान गए तुमसे चलो अभी टाटा बाय-बाय अभी कल की क्लास में आना ठीक है कल की क्लास में नहीं सैटरडे को आना सैटरडे को नए बच्चे आएंगे दोबारा से एक और बार ये पहल शुरू करेंगे मूविंग ऑन ठीक है कुछ भी करते हैं बच्चे अच्छा अभी यहाँ पर आ जाइए नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एटॉमिक ठीक है तो अभी यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा तुम्हारे पास क्या है इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई टॉक्ट अबाउट कि देखो अभी अगर मैं कोई भी एलिमेंट की बात करूं ठीक है फॉर इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन राइट तो अभी um, मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड के बीच में जंप कर रहा है सेकंड के बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में जंप कर रहा है थर्ड और फोर्थ के बीच में जंप कर रहा है फोर्थ और सेकंड के बीच में जंप कर रहा है थर्ड और फर्स्ट के बीच में जंप कर रहे है इन सबसे रिलेटेड अलग अलग फोटो हैं या फिर लेट मी पुट इट दिस वे इन इन सब से इन सारे ट्रांजिशन से रिलेटेड अलग अलग एनर्जी है तो अलग अलग वेवलेंथ है तो जितने भी ट्रांजिशन तुम्हारे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर पॉसिबल है उन सारे वेवलेंथ का सेट उस सेट को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं और हर एक एलिमेंट के लिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा तुम्हारा अलग अलग होता है जैसे कि मान लो तुमने एक गैस ली ठीक है तुमने गैस ले ली ठीक है इसको तुमने एक्साइट कर दिया एक्साइट कर दिया मान लो लो प्रेशर पे तुमने इलेक्ट्रिक करंट देके एक्साइट कर दिया तुमने हीट देके एक्साइट कर दिया किसी भी तरीके से तुमने एक्साइट कर दिया तो अभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड के तक जाएंगे सेकंड से थर्ड तक जाएंगे थर्ड से फोर्थ तक जाएंगे अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग ट्रांजेक्शन की वजह से अलग अलग एनर्जी डिफरेंस अलग अलग एनर्जी डिफरेंस की वजह से अलग अलग वेवलेंथ और ये जो पूरा सेट ऑफ दी वेवलेंथ होता है इसको हम क्या बोल देते हैं एमिशन एमिशन लाइन लाइन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम और ये जो है जैसे मैंने बोला था चैप्टर बिगे एनसीआर में ये चीज लिखी हुई है इट इज दिंगर प्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस कि किन्हीं भी दो एटम के लिए कभी भी एमिशन स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकता दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है हाँ जी एटोमिक स्पेक्ट्रम इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइटम यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है तो एक बार जरा सा ना स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ लो तो स्पेक्ट्रल सीज का मतलब कहते जस्ट बिकॉज नए नाम आ रहे हैं ना इसका मतलब ये नहीं की चीजें बदल गई है ठीक है जैसे कि ऑल लो कि मान लो पाइप पाइप में पानी बह रहा है तुमने तो उसको उसके मुंह को ऐसे कर दिया हम सब करते हैं जब हम छोटे थे पापा बोलते थे गार्डन में पानी डाल दो एंड स्टफ ठीक है ज्यादातर काम हमें मिलता था ये वाला तो जब भी हमें मिलता था हम ये करते थे कि इस तरीके से नोजल को इस तरीके से दबा दिए तो जुम्म करके बहुत ज्यादा दूर तक पानी जा रहा है ठीक है तो सेम चीज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी सेम चीज ही पढ़ी बस अलग टर्म्स आ गए थोड़ा सा वो डेफिनेशन करके आ गया तो स्पेक्ट्रल सीरीज सिर्फ ये है Uh, स्पेक्ट्रल सीज बोल, बोल देते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी बालमेर की बात करूं तो बालमेर से रिलेटेड जो सीरीज है ना इट इज एन इज इक्वल टू टू इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो अगर तीन और दो के बीच में ट्रांजेक्शन है वो बालमेर सीरीज से बिलोंग कर रहा है मतलब ये चीज समझो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एन इज इक्वल टू टू शेल से लेके किसी भी शेल के बीच में ट्रांजेक्शन शो करे जितने भी एनर्जी डिफरेंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी वेवलेंथ हैं वो सारी तुम्हारी बालमेर सीरीज से बिलोंग करती हैं जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट दी फर्स्ट बालमेर सीरीज वाली वेवलेंथ तो उसके अंदर क्या होगा ट्रांजेक्शन तुम्हारा दो और तीन के बीच में हो रहा है ठीक है तो इसको हम एच अल्फा लाइन बोलेंगे एच अल्फा लाइन का मतलब क्या कि ये बाल्मर लाइन होती है कभी कभी ना ऐसे बोला नहीं जाता कि कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा बोल देंगे हाइड्रोजन सीरीज की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सीरीज का मतलब याद रखना बालमेर सीरीज तो ये बालमेर सीरीज की पहली लाइन है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन तुम्हारा दो से लेके तीन तक हो रहा है एनर्जी डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड वेवलेंथ तो पास ये होगी दिस इज दी फॉर्मूला रिमेंबर अभी हम कुछ देर पहले जब हम पहले हम हाईलाइट कर रहे थे सेम चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी कि बालमेर वॉज दी वन जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लेके आया कि जितने भी ट्रांजिशन आपके इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर uh, शेल और दूसरे पर्टिकुलर शेल के बीच में पॉसिबल है उस एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी लेके तो ले थ्री तक तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन आई फर्स्ट लाइन तुम्हारे रेड में जाके गिरती है ठीक है अभी उसी तरीके से अभी मैं ट्रांजेक्शन बताऊ दो से लेके चार तक तो ये तुम्हारे पास H अल्फा लाइन था यहाँ पर H बीटा लाइन आएगा ये तुम्हारे पास जाके गिरता है ग्रीन के रीजन में विजिबल रीजन में तो तुम देख पा रहे हो बालमेर विजिबल रीजन में है बालमेर के अंदर जितनी भी वेवलेंथ आ रही है सारी विजिबल रीजन में जो पहली वेवलेंथ आई पहली वेवलेंथ पहली वेवलेंथ विच इज रिलेटेड टू दी मिनिमम एनर्जी ये तुम्हारी मिनिमम एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ पर वेवलेंथ तुम्हारी मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द बाल इज रेड इन कलर वो रेड के रीजन में लाइक करती है फिर बाद में अभी एच बीटा की बात करूं। एच बीटा तुम्हारे देखो ग्रीन रीजन में लाइक कर रहा है उसी तरीके से एच गामा की बात करूं जब ट्रांजेक्शन तुम्हारा दो से लेके पांच तक हो रहा है ये तुम्हारा लाइक कर रहा है वायलेट रीजन में सो जस्ट ट्राई टू एब्सॉर्ब दिस वट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज कोई भी ट्रांजेक्शन स्पेक्ट्रल सीरीज पांच है जो तुम्हें अभी फिलहाल के लिए पढ़नी है ठीक है तुम्हें अभी सिर्फ पांच पढ़नी है एक तुम्हें पढ़नी है लाइमन पी फंड। वैसे आगे दो और तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है because obviously बात ट्रांजेक्शन विच आर पॉसिबल बिटवीन द सेकेंड शेल एंड एनी अदर शेल इस एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड जितने भी वेवलेंथ

तो इस चीज को और समझ पाओगे जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं जैसे कि लाइमन सीरीज ठीक है तो लाइमन सीरीज होता है एन इज इक्वल टू वन से लेके किसी भी और शेल के बीच में ट्रांजेक्शन वन से लेके टू वन से लेके थ्री से लेके फोर वन से लेके फाइव वन से लेके सेवन वन से लेके इंफिनिटी ये जितने भी एनर्जी डिफरेंसेज है इनसे रिलेटेड जितनी भी वेव लेंथ है वो सारी लाइमन सीरीज को बिलोंग करती है ठीक है तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगा वन से लेके टू तक सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगा वन से लेके तक, होगा लेकर से लेके फोर तक सेकेंड लाइन ऑफ पॉश्चन सीरीज होगा तीन से लेके पांच तक थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज होगा तीन से लेके छ तक एंड लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज होगा तीन से लेके इंफिनिटी तक ठीक है उसी तरीके से ब्राकेट तुम्हारे पास असोसिएटेड होता है एन इज इक्वल टू फोर से तो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज होता है तुम्हारे पास फोर से लेके फाइव तक सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज होता है फोर से लेके सिक्स तक थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज होता है फोर से लेके सेवन तक और लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज होता है फोर से लेके इन्फिनेटी तक उसी तरीके से पी फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज ये थर्ड पी फंड सीरीज ये लास्ट पी फंड सीरीज ये. ये इतना ज्यादा ईजी है सो so, ये तुम्हारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज बन गई अभी यहाँ पर देखो तुम्हारे पास वॉट वॉज दी स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब समझ पा रहे हो ना स्पेक्ट्रल सीरीज का कि तुम्हारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज आर रिलेटेड टू दशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड एनी अदर ऑर्बिट जैसे कि लाइमन सीरीज वो ट्रांजैक्शन है जो अभी इन एनर्जी डिफरेंसेज की वजह से जितनी भी वेवलेंथ आ रही है ना वन से टू के विध रिस्पेक्ट टू तो एक वेवलेंथ वन से थ्री के विद रिस्पेक्ट टू तो एक वेव लेंथ इस तरीके से जितनी भी वेवलेंथ तुम्हारी वन और दूसरे शेल के बीच में आ रही है

मैचिंग देख लो कि कौन सा पेज चल रहा है ये थोड़ी ना एटम तुम्हारा सौ पेजों का है चौबीस तो पेज है यहां पे देख लो एक बार अरे क्या हुआ नी ट्वेंटी ट्वेंटी, ट्वेंटी नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन दोबारा है का? क्या कह रहा है यहां तक पहुंचिया सबने हैं प्लस वाले बच्चों ने नहीं यहां तक ठीक है समझ नहीं आई लेकिन आई एग्री विद यू एंड यू हैव माई फुल सपोर्ट ठीक है इस बात को हम अखबार में छपवाएंगे और दुनिया के हर कोने में ये बात को पहुंचाएंगे ठीक है नहीं समझ आया बट आई एग्री ठीक है एज अ टीचर आई शुड सपोर्ट यू आई भाई आई लव यू ठीक है अभी आगे आ जाओ अभी आगे आ पास बोहर मॉडल ठीक है तो अभी तक हां जी अभी तक तो क्या चल रहा था अभी तक तो स्पेक्ट्रल सीरीज चल रही थी आइटम का स्ट्रक्चर वगैरह चल रहा था फिर आया बोहर ठीक है तो अभी क्या बोहर जैसे लोग ना होने चाहिए लाइफ में जैसे कि बोहर ने क्या किया एक तरीके से तुम देखो तो रदरफोर्ड के एटम में देखो मतलब रदरफोर्ड के विद रिस्पेक्ट टू तो रदरफोर्ड की क्या कमियां रह गई वो मैंने यहां पर हाईलाइट की हुई है दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल तो रदरफोर्ड ने अभी क्या बोला ऑब्वियसली बात है कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट होंगे और ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि तुम्हारे पास जो एटम है इस तरीके से घूम सके ठीक है तो अभी अगर मैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूं ना तो हमेशा एक्सिलेटिंग चार्ज वेव्स प्रोड्यूस करता है तुम लोगों ने देखा होगा

इस तो एनर्जी है मतलब इसकी एनर्जी कम होती जा रही है जिसकी वजह से धीरे-धीरे धीरे-धीरे एनर्जी लूज करके ये न्यूक्लियस के अंदर ही जा फूटेगा इसका मतलब अगर मैं रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं तो वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है ठीक है ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को नहीं एक्सप्लेन करता है दूसरी चीज यहाँ पर ये कि अगर मैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के विद रिस्पेक्ट टू तो बात करूं ना तो अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एक्सेलरेटिंग चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस निकल रही है तो मान लो अभी जो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एन इज इक्वल टू फोर शेल में है ठीक है तो अभी जो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ना एन इज इक्वल टू फोर शेल में उसी फ्रीक्वेंसी की उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी या फिर उसी फ्रीक्वेंसी की वेव तुम्हारी एमिट होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकिन बात दरअसल ये आती है कि मतलब फिर ये तो धीरे धीरे कम हो रही है कंटिन्यूसली एनर्जी कम हो रही है कंटिन्यूसली एनर्जी कम हो रही है तो कंटिन्यूसली ही तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होनी चाहिए इसका मतलब जो तुम्हारा आटम है उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एमिट करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता वो लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है तुम्हारे पास डिस्क्रीट वेवलेंथ है कि सिर्फ इतनी इतनी वेवलेंथ इस पर्टिकुलर आइटम में हो रही है ये नहीं कि थ्री थ्री जीरो वेवलेंथ हो रही है थ्री थ्री वन वेवलेंथ हो रही है थ्री थ्री टू वेवलेंथ हो रही है नहीं देर आर ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ जो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है लेकिन वेन वी टॉक अबाउट दी राधोफोर्ड आइटम और जब हम राधोफोर्ड आइटम को एक्चुअली में लिंक कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी the तो यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन एले, एक्सेलरेट कर रहा है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अभी जब धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन तुम्हारी क्या हो रही है

इसने ये बोला कि सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व करता है विदाउट एनी एमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी मतलब वेन एवर द इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस नहीं कर रहा ये रेडिएंट एनर्जी को एमिट इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो डेफिनेट एनर्जी शेल्स है वेन आई टॉक अबाउट एन इज इक्वल टू वन फॉर एन हाइड्रोजन एटम अभी वो हाइड्रोजन तुम चोरी करके ले आओ वो हाइड्रोजन तुम्हें प्रसाद में मिल जाए वो हाइड्रोजन तुम अपने बालों से निकाल रहे हो ड नॉट मैटर एक इलेक्ट्रॉन जो एन इज इक्वल टू वन शेल में प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम के उनकी एनर्जी सेम रहेगी सो so, ये एक्सप्लेन कर देता है क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विदाउट एमिटिंग एनी एनर्जी गिर गया, इसने कर ली, तो एनर्जी शेल से अपर एनर्जी जम्प कर जाएगा मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी शेल में है इसने एनर्जी रेडिएट कर दी इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन तो ये क्या करेगा ये तुम्हारे पास अपर शेल से नीचे वाले शेल में आ जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर जाके कभी नहीं गिरेगा फिर बाद में आगे फिर बात ये भी आती है क्योंकि देखो तुम्हें पैटर्न नहीं चाहिए तुम्हें चाहिए, में, क्योंकि an possible, जब भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के बीच में क्या कर रहा है ट्रांसक्शन शो कर रहा है तो अभी यही एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन सब वहीं पर रिवॉल्व करेगा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई जैसे कि मैं एन को वन ले सकती हूं तो एच डिवाइडेड बाय टू पाई टू ले सकती हूं तो एच डिवाइडेड बाय पाई थ्री ले लूं तो थ्री एच डिवाइडेड बाय टू पाई ठीक है फोर ले लूं तो तुम्हारे पास आ गया टू एच डिवाइडेड बाय पाई

एच डिवाइडेड बाई टू पाई ये कोई इंटीजर नहीं है ये फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल आपके पास जो एन की वैल्यू है वो इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए ये एन आपका इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ना तो डेसिमल की फॉर्म में होना चाहिए ना फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए तो यहाँ से अभी हमें एक चीज श्योरिटी से पता लग गई कि एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होगा जैसा होना भी नहीं चाहिए फिर बाद में तीसरा पोस्टर एक बहुत प्यारी सी बात करता है कि जिसके बारे में हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले शेल से ये वाले शेल तक जा रहे ठीक है ठीके? ये वाले शेल से ये वाले शेल तक जा रहे है, तो इट इज गोइंग फ्रॉम अ हाई एनर्जी शेल टू एनर्जी शेल तो हाई एनर्जी शेल से अगर लो एनर्जी शेल तक जाएगा तो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड इन सम अदर फॉर्म डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती इसका मतलब अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल तक जा रहा है तो यहाँ पर एनर्जी तुम्हारी जो कम हुई है ये कम हो रही है इन फॉर्म इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन इसी फोटोन की वेवलेंथ के बारे में मैं बात कर रही थी कि ये जो वेव है इसी के मैं बारे में बात कर रही हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम में जैसे कि मैंने तुम्हें बोला हर एक एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा द रीजन बीइंग कि जब तुम्हारा ट्रांजैक्शन हो रहा है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में और इसी तरीके से जितने भी पॉसिबल पॉस, पॉस तुम्हारे पास यू नो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से कलेक्टिव तुम्हारे पास बंच आ गया वेवलेंथ का अब ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग है सो वॉट इज दिस वेवलेंथ दिस इज वेवलेंथ ऑफ दसोसिएट फोटॉन जो तुम्हारा रिलीज होगा या जो तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग बिटवीन टू शेल्स ठीक है तो अभी यहां पर देखो हम इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एनएच डिवाइडेड बाय टू पाई

हाइड्रोजन आइटम अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डबल जिसकी वैल्यू तुम्हारे तो पास कितने आ जाएगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट इन एन हाइड्रोजन आइटम एंड दिस इज दोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दी एंथिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इस कंसेप्ट के बारे में आज ही की क्लास में डिस्कशन हुआ है तो यहाँ पर बस यही है ठीक है फिर तुम्हारे पास क्या आ जाता है जी? फिर तुम्हारे पास यहाँ पर एनर्जी लेवल आ जाते हैं ठीक है तो कुछ नहीं देखो प्यारा सा है कि ग्राउंड स्टेट होता है एन इज इक्वल टू वन ये तुम्हारा लोएस्ट स्टेट है हाईएस्ट स्टेट होता है तुम्हारे पास इंफिनिटी तो मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन शेल में ठीक है तो मान लो जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन आइटम अगर मैं हाइड्रोजन आइटम की बात करूँ ना तो वट इज एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑफ एन एन इलेक्ट्रॉन इन इज इज इक्वल टू वन शेल इट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब समझ पा रहे हो इसका मतलब अगर मैं इसको मतलब मिनिमम एनर्जी जो मुझे देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं चाहती हूँ ये इन्फिनिटी तक एस्केप कर जाए दैट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी तो ध्यान से देखना व्हाट इज मीनिंग ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी जो तुम्हें चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है वो एस्केप कर जाए हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारे पास थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज ग्रेट आश्रम दैट इज रियली रिली रियली ग्रेट ठीक है तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसी तरीके से तुम्हारी एक्साइटिंग एनर्जी भी होती है जैसे कि देखो इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन आइटम ना तो देखो हाइड्रोजन आइटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ये है ठीक है फिर n इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू टू में एनर्जी हो जाएगी तुम्हारे पास माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर फिर n इज इक्वल टू थ्री में तुम्हारे पास एनर्जी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई थ्री का स्क्वायर फिर उसी तरीके से यहां पर होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय फोर का स्क्वायर यहाँ पर होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय फाइव का स्क्वायर तो देखो तुम्हारे पास एनर्जीज ना ये आ रही है ध्यान से देखना एनर्जीज तुम्हारे पास ये आ रही है तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि मान लो इलेक्ट्रॉन ना तुम्हारा यहाँ पर बैठा है अभी आयनाइजेशन एनर्जी पता लग लग जाना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका मतलब अगर मैं इसको थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर दू ना तो ये इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा इसको हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी लेकिन वेन आई टॉक अबाउट द एक्साइटिंग एक्साइटिंग एनर्जी ठीक है तो अभी यहां पर देखो एक्साइटिंग एनर्जी का मतलब क्या है मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से लेके सेकेंड ऑर्बिट तक लेके जा रही हूं तो मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ी ताकि ये ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक जा पाए दैट इज एक्साइटिंग एनर्जी रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन ठीक है तो इन दोनों के बीच में तुम लोग डिफरेंस निकालो ये वाली डिफरेंस की वैल्यू आ रही है टेन पॉइंट इलेक्ट्रॉन uh, जब तुम उसको यहां से लेके यहां तक लेके जा रही तो यहां पर पास जो आ रही है, तो तुम यहां पर देख पा रहे हो एक्साइटिंग एनर्जी जहां पर फाइनल इन्फिनिटी हो उसी को हम आइनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं मैम आप डी कोड एनसीआर रेगुलरली करते हो नहीं यार रेगुलरली तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी लेकिन हाँ आई कैन से अभी तुम्हारी क्लासेस देख लो कैसे हैं इस पर्टिकुलर वीक के लिए थर्सडे अभी एटम्स को खत्म करेंगे ठीक है एटम्स को बिल्कुल अभी हम फिनिश करने वाले हैं ठीक है फिर बाद में तुम्हारी सैटरडे को है सैटरडे को न्यूक्लियाई का पार्ट वन होगा ठीक है और संडे को तुम्हारे लिए मैं दोबारा से लाइव आऊंगी जिसके अंदर हम न्यूक्लियाई के सेकंड पार्ट को डी करेंगे ठीक है तो अभी तुम देख पा रहे हो एक्साइटेशन एनर्जी जब एनर्जी मतलब मतलब जैसे इंक्रीज हो रही है जैसे कि वेन आई टॉक अबाउट ये वाला ट्रांजेक्शन मेरे पास पॉइंटर नहीं है क्या यहाँ पर नहीं है ना अच्छा यहाँ पर देखो मैं ये कह रही थी यहां से लेके यहाँ तक एक्साइटेशन एनर्जी कुछ है ठीक है टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां से लेके यहाँ तक एक्साइटिंग एनर्जी इतनी है तो एक्साइटिंग एनर्जी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है सिमिलरली जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए इन

टू एनर्जी थी दूसरे शेल में ठीक है तो अभी तुम्हारे पास फर्स्ट शेल से दूसरे शेल के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ई वन माइनस पास यहाँ पर एमिट हो रहा है ठीक है वही बात लिखी हुई है डेरिवेशन पे ऑब्वियसली बात है तुम्हें जाना नहीं है तो अभी आ, और क्या ये देखो एमिशन स्पेक्ट्रम एमिशन लाइंस एमिशन लाइंस के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं यार है तुम्हारी तब produce होती है जब electrons जंप कर जाते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट जैसे कि देखो तुम्हारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तीन से लेके एक तक तो या तो वो तीन से लेके एक तक इस तरीके से सीधा सीधा जम्प करे या फिर ये तीन से लेके दो तक जाए और फिर दो से लेके एक तक जाए सो दीज आर एमिशन लाइन्स दीज आर दी एमिशन लाइन्स विच आर रिलेटेड टू दी ट्रांजेक्शन बिटवीन थ्री टू वन या तो डायरेक्टली या फिर इस तरीके से पार्ट्स के बीच में और यही फ़िंगरप्रिंट्स होते हैं ठीक है फिर बाद में आखिरी तुम्हारे पास डी ब्रोगली आता है तो देखो सौ बातों की एक बात बताती हूँ करके बैठे है। तो वहां पर हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आता है मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी राइट तो अभी बात यह है कि मान लो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एंथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर ये गिवन है कि सरकम ऑफ द ऑर्बिट ध्यान से देखना फर्स्ट uh, अगर मैं पहले शेल की बात करूं तो मैं बोल दूंगी टू पाई मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस ऑफ द पहलाईड बाई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रॉन जो ये वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है

जो NCRT में थी जो इम्पोर्टेंट है मैंने तुम्हें बताई है जो चीज मैंने नहीं बताई है इसका मतलब उनको बस स्वप करके तुम लोग आगे निकल जाओ इसको बोलते एनसीआर टी डेकोडिंग सेशन आज एक घंटे के सेशन में ठीक है एक घंटे से दो मिनट ऊपर ठीक है एक घंटे के सेशन में हमने पूरे एटम्स को डिकोड किया लेकिन एटम्स छोटा था एटम्स बेसिक था न्यूक्लिया के लिए एक घंटा काफी नहीं रहेगा न्यूक्लिया को हम आराम से दो सेशन में डिकोड करेंगे दोनों सेशन याद रखना साढ़े आठ बजे ही होंगे ये वाला सेशन होगा सैटरडे को और ये वाला सेशन होगा आपका संडे को अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए प्रिपेयर करें तो तुम लोगों को खुद को पता लग रहा है कि जब तुम इन सेशन में आते हुए When you are being a part and once the one hour finishes कितना कुछ तुम गेन करके जाते हो मतलब जो बच्चे की एनसीईआरटी कैसे करनी होती है एनसीईआरटी फिजिक्स की कैसे करें तो तुम देख पा रहे हो एनसीईआरटी फिजिक्स को हम उसी तरीके से अप्रोच इन अ वे दैट रियली मैटर्स कि जैसे कहानी की तरह हम एनसीईआरटी को निचोड़ के पी गए उसी तरीके से एनसीईआरटी जो कुछ भी जो लाइन मैं बना रही हूँ तुम्हारी एनसीईआरटी में वो लाइन होनी चाहिए जिस तरीके से मैं ये वाली एनसीईआरटी मॉडिफाई कर रही हूँ तो मैं अपनी एनसीईआरटी मॉडिफाई करनी है और फिर कभी भी तुम्हें लगे कि कंसेप्चुअल को रिवीजन करना है ये मॉडिफाइड एनसीईआरटी को खोल के बैठो तुम्हारा कंसेप्चुअल रिवीजन एक चैप्टर का दस मिनट में हो जाएगा ठीक है सो दीस क्लासेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोडक्टिव प्लीज कोई बताओ मैम प्लस पर पढ़ाती है ऑफकोर्स ऑफकोर्स मैं तुम्हें बताऊं सान्या अनअकाडमी प्लस जब नहीं भी था ना उससे पहले जिस एजुकेटर का सबसे पहला लाइव कोर्स आया था वो भी मैं हूं तो डोंट वरी इट ऑल मैं प्लस पे जरूर से पढ़ाती हूँ तुम आओ प्लस पे अभी मैं प्रणव सर और रवि सर बिल्कुल यार तुम्हें क्या क्या ही हम 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 करने वाले हैं काया पलट कर देंगे हम, हम इस तरीके से प्रारंभ बैच लेके आ रहे हैं एटीन ऑफ जनवरी से ध्यान रखना प्रारंभ बैच आपका एटीन ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है जिसमें मैं फिजिक्स के लिए प्रणव सर बायोलॉजी के लिए रवि सर केमिस्ट्री के लिए

आज आओ प्लस के ऊपर ऑनगोइंग जो कोर्सेज हैं उनके अंदर से जो बिल्कुल तुम्हें ऐसे लगता है ना कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल निहाय थे मुझे इतना बहुत ज्यादा ही गंदा लगता है इतना वीक हूं मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में उनके रिकॉर्डिंग देख के प्रोडक्टिव बनाओ दिनों को क्योंकि अभी अठारह तारीख बहुत दूर है बीस दिन रहते हैं बीस दिन वेट मत कर ठीक है ओके okay, चलो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय एवरीवन दैट इज ऑल फॉर टूडेज क्लास फैला देना यार इसको ठीक है गॉटेड दीज आर सम वेरी अमेजिंग क्लासेस वेरी फ्रूटफुल क्लासेज मुझे लेने में ही बड़ा मजा आता है तो जरूर से इसको Uh, तुम लोग फैलाना व्हाट इज प्लस मिस्टर फनी जैसे कि ये फ्री क्लासेस हो रही है ना जैसे यूट्यूब पे तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना मेरी अन अकेडमी की फ्री लर्निंग आईडी मिलेगी तो उसी तरीके से फ्री की पढ़ाई अन अकेडमी पे भी होती है उसी तरीके से पेड पढ़ाई भी होती है मतलब अगर तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लस का तो जितने भी टेस्ट सीरीज हैं जितने भी एडुकेटर्स हैं फॉर ऑल दी थ्री सब्जेक्ट सब तुम्हारे ठीक है तो प्लस पे आने के लिए दिस इज योर कोड ओके okay, चलो टाटा बाय बाय अभी दस बजे मेरी क्लास है यार ठीक है अब फटाफट से लेट मी गो एन नीड समथिंग गुड बाय एवरी वन इट वॉज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू हेयर होपिंग टू सी यू अगेन ऑन सैटरडे एट एट थर्टी पी एम ठीक है चलो टाटा बाय बाय सायो नारा चलो